दोस्तों गोरखपुरी अब भाजी जा रहे हैं। आरोपी मान लीजिए ऐसे छुपा नहीं मार, मान लीजिए हर महीने में ऐसा कोई ऐसा दिन महीने में 10 दिन नहीं मारता था, बाकी 20 दिन उसको मारता ही मारता था। वो चिल्ला चिल्ला के बोलती रही लेकिन किसी ने उसके विश्वास नहीं किया। अब उसकी जान चली गई, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, 1.5 साल का लमसम लगा बच्चा। जो वो अर्न करती थी यूट्यूब के जितने पैसे आते थे, वो किसके अकाउंट में जा रहा है? अमरनाथ के अकाउंट में। सुनने में आ रहा है कि विष्णु राज का जो ये है, क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड है विष्णु राज का, उसके अकाउंट में। मालती चौहान का जो अकाउंट वो उसके में लगा था। और उसका सुनने में आ रहा है कि पेमेंट भी इस महीने का नुकसान थी। पेमेंट क्या हुआ था उसका? 1 लाख रुपया। ये मालती की बड़ी बहन है, छोटी नहीं, बड़ी। पीछे चलो जी, पैसा चलो। देखिए घट गई सर, उसमें आप हो या हम हो, सर पर कुछ होना नहीं जी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते ये हम कहेंगे उसको न्याय मिलेगा, पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। और हमें प्रशासन से बस एक ही मांग है, और जो दोषी है उसको दंड मिलेगा। ये हम आपको विश्वास करें, यही उम्मीद थी। प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि प्रशासन भी इसमें हम लोग का साथ दे, क्योंकि प्रशासन अगर चाहेगी तभी कुछ हो पाएगा। प्रशासन पड़ेगा मोरी थाना है, एक दिन घर सब कर लीजिए तो एक दिन दरखास्त लेकर के आप आइए उससे मिल लेना। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जो है सचिव है समाजवादी पांडे, इनकी बगल की रहने वाली है, और लेकर के आइए और हमको फोन कर दीजिए। इनके पास हमारा नंबर है, और आइए हम करके पहले अच्छी से बात करेंगे। इसमें सर जैसे दोषी जो है ना, वो कभी छोटा मैटर जैसे होता था, मारपीट होता था, थाना मैटर तक जाता था, मैटर जो है थाने तक जाता था, लेकिन विष्णु राज जो था वो बार 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 पैसे दे करके उस मैटर को दबा देता था। खुलासा होगा और धरा है ना आप पहले जो है खत्म हो जाए जी। पहले तो कल परसों आइए, हम अक्सर होली से बात करें जी। तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्या बताते हैं, फिर उसके बाद जरूर हम आप दोनों साथ जी। यही धन्यवाद आपका जो आप खड़े हैं हम लोग के साथ आए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका धन्यवाद, क्योंकि इस मैटर में सभी लोग, आपने देखा होगा, सभी लोग सिर्फ न्यूज का खेल खेल रहे हैं। उसके बाद इससे मेरा कोई मैटर नहीं। मैं मान लीजिए सुलहनामा मैं करवाती हूँ, शादी जब तुम किए तो मेरे से काहे नहीं करता, बताना चाहिए ना, नहीं बताया। और फिर यही हाल हुआ है, जैसे यहाँ से समझाता हुआ वैसे। अरे 12 बजे रात को शादी होता है, 12 बजे रात को किसी देवी देवता को, हमारे हिंदू धर्म में, पहली बात हमारे हिंदू धर्म में 12 बजे रात को मंदिर का गेट नहीं खुलवाया जाता, तो भगवान भी तो सोते हैं। अगर बिना तुम तलाक लिए शादी कर दिए, सबसे बड़ा मुजरिम तो साला पहले वही है ना कि बिना तलाक के शादी करता है। आप जो है इन लोगों को यहाँ भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है ये झोल झाल ना होने पाए, कहीं हेर फेर ना हो रिपोर्ट। इसीलिए सर हम यहाँ सुबह से डटे हुए हैं, यहाँ से इसीलिए हम सुबह से डटे हुए हैं, चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन रिपोर्ट जो है एकदम क्लीन आना चाहिए, जो साफ है सच्चाई है वही रिपोर्ट में आना चाहिए। और हम लोग सच्चाई के साथ हैं, यहाँ पे एक महिला का जान गया है और वो निर्दोष है, हम सब खड़े रहेंगे, वो निर्दोष है। अब इसमें आप लोग अगर इंसान है तो इंसानियत निभाइए अपना, ठीक है। हम लोग महिलाओं के साथ हैं जी, अन्याय नहीं होने देंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग के मुंह से बात कर लेते हैं।
आते हैं।